हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, हम काफ़ी समय से कोई अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं कर चुके थे, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन की प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा चल रही थी, उस वजह से हम अपने घर पर आ रखे थे। और ये मेरा जो ग्रीन बोर्ड है, उस ग्रीन बोर्ड पर हम वीडियो शूट करते थे, लेकिन यहाँ ग्रीन बोर्ड भी नहीं, छोटा सा वाइट बोर्ड है, इसी पर वीडियो शूट कर रहे हैं हम। और मेरा एक मैसेज रहेगा इस लॉकडाउन के दौरान, आप भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का अनुपालन करना और अपने घर पर ही रहना और घर पर ही रहकर पढ़ाई करना, ताकि आप खुद को सुरक्षित तथा जो ये कोरोना की जो महामारी है, इससे भी निजात पा सकें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 11 का लेसन नंबर 3, तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों में आवर्तिता, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट एंड पीरियडिसिटी इन एलिमेंट्स। ओके, तो ये हमारा चैप्टर है। इस चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे हम डिटेल में। तो इसके लिए हम बात करेंगे, सबसे पहले तत्वों को किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया, यानी एलिमेंट्स किस तरह से पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए गए, इसके विषय में सब अलग अलग विचारधाराएं रही अलग अलग साइंटिस्ट की। सबसे पहली अगर बात करें इनिशियन, तो उस समय क्या था कि कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स पृथ्वी पर खोजे गए थे, जिनमें किसी को स्टार, किसी को मून, किसी को मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, इस तरह से नोमेनक्लेचर दे रखा था। लेकिन तत्वों की संख्या बढ़ती चली गई, तो उसके बढ़ने के परिणाम स्वरूप वो जो प्रणाली थी, उसके आधार पर तत्वों को याद रखना कठिन हो गया था। उसके बाद फिर अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए। तो जो चार साइंटिस्ट थे, उन्होंने शुरुआत दौर में कैसे कैसे क्लासिफिकेशन किया, उसके आधार पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। 1815 में एक साइंटिस्ट आए थे, प्राउट। इन 1815 में एक साइंटिस्ट आए प्राउट, उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी दी। उन्होंने क्या विचार दिया था कि जो एलिमेंट्स होते हैं हाइड्रोजन्स के समान होते हैं। एलिमेंट्स कैसे होते हैं? हाइड्रोजन के समान, हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, परंतु जिनका एटॉमिक मास फुल इंटीजर नहीं होता, जिनका मास फुल इंटीजर नहीं होता, उनके लिए ये आइडिया उनका फेल हो गया था। सपोज जैसे हाइड्रोजन की बात करेंगे हम, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, नाइट्रोजन की बात करेंगे, नाइट्रोजन एटॉमिक मास 7, एटॉमिक नंबर 7, तो इनके लिए तो ये आइडिया उनका सफल था, सक्सेसफुल था। अदरवाइज जैसे क्लोरीन की बात करेंगे, क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है? 35.5 होता है, तो क्लोरीन के लिए आइडिया ये फेल हो गया था। हाइड्रोजन का 1 और इसका नाइट्रोजन का 14, इनके लिए क्या हो गया था, ये इनके लिए तो ये आइडिया सफल था। बट अगर हम क्लोरीन की बात करें, जिसका एटॉमिक मास फुल इंटीजर नहीं, तो वहाँ पर ये आइडिया क्या हो गया था? फेल हो गया था। ओके, उसके बाद जो साइंटिस्ट आए, ये डोब्रिनर 1829 में इन्होंने एक आइडिया दिया, और इन्होंने कोई तीन एलिमेंट्स लिए, और जो फर्स्ट एलिमेंट था और थर्ड एलिमेंट था, उनका जो एटॉमिक मास था, उनके एटॉमिक मास का एवरेज जो था, वो बीच का जो एलिमेंट था, यानी मिडिल जो एलिमेंट था, उसके मास के इक्वल था, ये इन्होंने एक आइडिया दिया था। जैसे एक एग्जांपल ले लेंगे, किसी भी एलिमेंट्स में हम जनरली, जैसे मैं ले लिया लिथियम का, ले लिया लिथियम, सोडियम है, पोटेशियम, ये तीन एलिमेंट हमने ले लिए, क्लियर है? तीनों का हमने एटॉमिक मास देख लिया, ये 7, 11, 19, ये तो हो गया इनका 7, 23 और एटॉमिक मास 23, 39, ये तो एटॉमिक नंबर है 23, 39। और जो एवरेज होगा इनका दोनों का, फर्स्ट एंड थर्ड का, यानी एवरेज 7 + 39 / 2 = 23। तो इस तरीके से क्या कर रखा था, इनको अरेंज कर रखा था, फर्स्ट और थर्ड था एलिमेंट्स, इन दोनों का जो एवरेज होगा वो बीच के एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के इक्वल होगा। ये एक आइडिया था, लेकिन ये कोई एग्जैक्ट कंसेप्ट नहीं था, केवल कि थ्री एलिमेंट्स के भी आपको ही हम कंसिडर करेंगे, तो ये भी आइडिया क्या हो गया था, फेल हो गया था। उसके बाद आया न्यूलैंड, ये आता 1863 में, न्यूलैंड 1863 में अपना एक आइडिया दिया था, और न्यूलैंड ने जो आइडिया दिया था, उसने ये बताया था कि एक, अगर हम बात करें एक पीरियड्स की,
एक पीरियड्स में न्यूलैंड ने एक्चुअली में क्या कहता है, इनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने से एक अपना आइडिया दिया था और देखा था कि प्रत्येक आठवां तत्व गुणों में समानता प्रदर्शित करता है। प्रत्येक आठवां तत्व गुणों में क्या कर रहा है, समानता प्रदर्शित कर रहा था। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेंगे हम लिथियम का। लिथियम इसके जो लिथियम के सेकंड हमने बाद ले लिया बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नियोन, ये एलिमेंट्स ले लिए हमने। क्लियर बात। और फिर इनके बाद जो एलिमेंट्स आए इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट के बाद जो इनके एलिमेंट्स आए उनकी प्रॉपर्टी में एक समानता पाई गई। सोडियम लिथियम की जो लिथियम था इसकी समानता पाई गई सोडियम से। क्लियर है। देन बेरिलियम की समानता पाई गई मैग्नीशियम। और जैसे बोरान, बोरान की समानता किससे पाई गई, एल्यूमिनियम से, सिलिकन से, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, इस तरह से। और जो इनकी सिमिलरिटी का जो ऑर्डर था ये हमारे सरगम से समानता रख रहा था। जो हमारा सरगम है, सरगम क्या हमारा, सा रे गा मा पा धा नी सा, यानी ये एक निश्चित अंतराल के बाद फिर सा रे गा मा पा धा नी सा, इस तरह से एक इनमें क्या होगा, रिपीटेशन होने लगा। ये आठवां, प्रत्येक आठवां एलिमेंट्स में क्या हो गई, एक समानता पाई गई। तो इस तरह से तत्वों को क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। और ये कौन से साइंटिस्ट थे, ये न्यूलैंड थे। इन्होंने 1863 में अपना ये आइडिया प्रस्तुत किया था। तो ये आइडिया भी बाद में जाकर फेल हो गया था। उसके बाद एक आइडिया आया था 1869 में, लोथर मेयर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना आइडिया दिया था। और उन्होंने अपने आइडिया में किस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज करने का एक आइडिया दिया, तो उन्होंने क्या किया, एक कर्व खींचा, एक ग्राफ बनाया, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक नंबर के बीच एक उन्होंने क्या किया, एक कर्व प्लॉट किया। एटॉमिक वॉल्यूम, परमाणु आयतन तथा परमाणु क्रमांक के मध्य एक कर्व प्लॉट किया। और उस कर्व में उन्होंने देखा जो कुछ कर्व जो टॉप पर आ रहे थे उनमें एक समानता थी, जो मध्य में आ रहे थे उनमें एक समानता, जो डाउन में आ रहे थे उनमें एक समानता था। तो इस तरह से उन्होंने एक कर्व प्लॉट किया था। उस कर्व को कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, जरा ध्यान समझना। ये जो कर्व प्लॉट किया उन्होंने, एटॉमिक नंबर वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम, इस तरह से ये कर्व प्लॉट किया। कर्व का प्लॉटेशन कैसे आया, सपोज ये लिथियम, ओके, ये टॉप पर ले लिया, देन बेरिलियम है ना, और कुछ मिडिल में भी आए होंगे इसमें, देन सोडियम एल्युमिनियम है, और एल्युमिनियम, देन पोटेशियम, बीच में कॉपर हो सकता है, अन्य एलिमेंट्स हो सकते हैं, देन रुबीडियम, सीजियम, इस तरह से सीएस, इस टाइप से उन्होंने अरेंज किया। तो जो टॉप पर आ रहे थे इनमें एक सिमिलरिटी पाई, ये क्या है, एल्कली मेटल्स है, ओके। और जो डाउन में आ रहे थे इनमें एक सिमिलरिटी अलग पाई गई, ये अदर टाइप के एलिमेंट्स थे। तो उन्होंने कर्व के स्लोप के बिहाफ पर कैटेगराइज किया था कि ये एक श्रेणी में रखे जाएंगे, और जो मिडिल वाले एक कैटेगरी में रखे गए, और जो डाउन वाले वो एक कैटेगरी में रखे गए, इस तरह के अपने आइडिया दिया था। तो लेकिन बाद में जाकर ये आइडिया भी क्या हो गया था, फेल हो गया था। फिर एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आता, फिर मेंडलीफ ने अपना एक आइडिया दिया था, फिर मेंडलीफ कंसेप्ट आता। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेंडलीफ कंसेप्ट, हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ओके। मेंडलीफ का क्या कंसेप्ट आया था उसके हम बात करेंगे। मेंडलीफ का वर्गीकरण, मेंडलीफ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ्स। मेंडलीफ्स ने कैसे कैटेगराइज किया था, इस बात को जरा ध्यान समझ लेना।
सबसे पहले मेंडलीव ने जो आधार माना था तत्वों को वर्गीकरण करने का, वो माना था परमाणु भार। परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में मेंडलीव ने तत्वों को रखा गया था। ओके, इसको बोलते थे आवर्त नियम। क्या बोलते थे? आवर्त नियम। आवर्त नियम क्या कहता था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास। हेडिंग इंग्लिश में क्या होगी? पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ। ओके, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक मास। या तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इस तरीके से उन्होंने अरेंज किया था। क्लियर? इसको बोलते आवर्त लॉ, आवर्त नियम। अब मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें कैसे कैसे उन्होंने कितने ग्रुप बनाए। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उन्होंने क्या था, 7 पंक्ति थी, वर्टिकल पंक्ति थी, और 9 ऊर्ध्वाधर क्या थे, कॉलम थे। तो जो 9 थे उनकी संख्या 0 to 9 जा रही थी, 0 to 9 और सॉरी 1 to 8 और लास्ट वाला था वो था 0 ग्रुप। तो हम इसको पूरे के डायग्राम के आधार पर समझेंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी कैसी थी, इसको ध्यान समझ लेना। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमने क्या किया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पूरी को हमने प्लॉट कर दिया कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल किस तरीके से अरेंज की थी। अब इसको जरा ध्यान समझ लेना, इसमें ये जो लाइन है, ये जो खड़ी लाइन है, ये कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 0। यानी इसमें 9 क्या है, ये टोटल 9 क्या है इसमें, ये ग्रुप्स है। 9 क्या है, ग्रुप्स, इनको वर्ग बोलते हैं हिंदी में। लेकिन इनकी जो नंबर शुरू होते हैं 1 to 8 और एक ये लास्ट में क्या है, 0 ग्रुप। इस 0 ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स रखेंगे, नोबल गैस। कौन से रखेंगे, नोबल गैस। और जो ये ऊर्ध्वाधर जो वर्टिकल जो लाइन्स है, ये कितनी लाइन्स है, 7। इन 7 लाइन्स को क्या कहते हैं, इन 7 लाइन्स को बोलते हैं आवर्त, पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीरियड्स। क्लियर बात? अब जैसे हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फेंसेन, और साथ ही साथ इसमें क्या लिखा, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, AU, ये रखे गए। और फिर बगल में इसी के क्या रखा है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इसी के बगल में इसी कैल्शियम के साथ में क्या रखा, जिंक, कैडमियम, मरकरी, स्कैंडियम, यटीरियम, लैंथेनम, हैं, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और फिर बोरान के साथ में इस कौन कौन सा रखे, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और गैलियम के साथ टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेटिन, लेड। तो जर्मेनियम के साथ में क्या रख दिया, वैनेडियम, नायोबियम, टेंटेलियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। आर्सेनिक के साथ में क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ऑक्सीजन, सल्फर, सिल्यूरियम, टेलुरियम, पोलोनियम, मैग्नीज, टेक्नीशियम, रिहीमियम, आयरन, रूथियम, ओसमियम, कोबाल्ट, रोहनियम, इरिडियम, निकिल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, और हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। ये हमारे पीरियोडिक टेबल रखेंगे। और साथ ही जो हमारा जो ये लैंथेनम की जो श्रेणी है, लैंथेनम, एक्टिनम, ये जो ये लैंथेनम, एक्टिनम, इनके 14 एलिमेंट्स ये अलग से यहाँ पर अरेंज किए गए। ये अलग से, ये लैंथेनम फैमिली, ये एक्टिनम फैमिली। तो इस तरीके से ये पीरियोडिक टेबल है, ये मेंडलीव द्वारा प्रस्तुत है, और इसका जो आधार माने का था परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। इसको जरा ध्यान समझ लेना, कितने आवर्त हो इसमें, 7। कितने वर्ग है इसमें, 9। 0 से लेकर 0 को इंक्लूड करते हैं, 9 है, वैसे तो इसमें 8 है। और जो 0 ग्रुप है उसमें कौन से एलिमेंट्स रखे गए, नोबल गैस। इतनी जानकारी होनी चाहिए हमारे पास। अब इसकी हम एक स्पेशलिटी की बात करते हैं, इसकी क्या विशेषता है। तो आवर्त जो आवर्त है एक पीरियड्स में जो रखे गए, अगर हम इसमें एक ग्रुप में बात करेंगे तो इसमें जो लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, इनकी जो प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन प्रॉपर्टी लिथियम से टैली करेंगे, लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से, समान गुणों वालों को एक वर्ग में रखे गए, समान गुणों वालों को एक वर्ग में रखे। और जो आवर्त कंसेप्ट है, एक निश्चित अंतराल के बाद इनके गुणों में क्या होती है, पुनरावर्ती होती है। जैसे हम बात करें लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हीलियम के बाद फिर कहाँ पर आए, सोडियम। तो सोडियम की प्रॉपर्टी किससे टैली करी, लिथियम से। फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्रॉपर्टी किससे टैली करी, बेरिलियम से।
तो एक निश्चित अंतराल के बाद इनके गुणों में पुनरावृत्ति होती है, या एक निश्चित पीरियड्स के बाद इनकी प्रॉपर्टी में क्या हो रही, पुनरावृत्ति हो रही। इसी लक्षण को बोलते हैं आवर्तिता। इसी लक्षण क्या बोलते हैं, आवर्तिता। और आवर्तिता के आधार पर इस सारणी का नाम रखा गया आवर्त सारणी। बात समझ आ रही ना। अच्छा, अब इसकी जो विशेषता, विशेषता हमने बताई कि एक आवर्त में जो रखे गए एक निश्चित अंतराल के बाद उनके गुणों में पुनरावृत्ति होती है। एक वर्ग में रखे उनके गुण बिल्कुल समान हो गए, उनके गुणों में क्या पाई जाएगी, सिमिलरिटीज पाई जाएगी, इसलिए वो एक वर्ग में रखे गए। और एक और विशेषता रहती है कि इनमें जो इनका अंदर इनमें क्या होता है, एक डायगनल रिलेशनशिप पाया जाता है, डायगनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध पाया जाता है। जैसे लिथियम का मैग्नीशियम सा, लिथियम का मैग्नीशियम सा, इसका प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी इस टैली करेगी, लिथियम की हिस्सा, बेरिलियम की हिस्सा, कार्बन की फास्फोरस, इसकी बोरान की सिलिकन सा, इस तरह से ये इनकी प्रॉपर्टी पाई जाती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डायगनल रिलेशनशिप। तो ये डायगनल रिलेशनशिप पाया जाता है, ये भी एक इस पीरियोडिक टेबल की एक विशेषता होती है। क्लियर बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं मेंडली पीरियोडिक टेबल की यूटिलिटी, उपयोगिता क्या है इसकी। तो ये डायग्राम आपको आना चाहिए बनाना, जिसके बिहा पर आप अपनी मेंडली पीरियोडिक टेबल को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेंडली पीरियोडिक टेबल की यूटिलिटी, यूटिलिटी ऑफ द मेंडली पीरियोडिक टेबल। ओके, मेंडलीप आवर्त सारणी की उपयोगिता या यूटिलिटी ऑफ द मेंडलीप पीरियोडिक टेबल, इसकी क्या यूटिलिटीज थी। तो उन यूटिलिटीज को थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक नंबर एक बात क्या है कि जो जो एलिमेंट्स थे उनकी एक ऐसा सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर दिया जिसके आधार पर उनकी प्रॉपर्टी का स्टडी करना बहुत ही आसान हो गया। ओके, यानी तत्वों का अध्ययन करना सरल हो गया। एक तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, इससे पहले कोई सिस्टम नहीं बनाया था ताकि इनकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को हम आसानी से समझ सके, लेकिन मेंडलीप ने एक तरीका दे दिया, इस तरीके के आधार पर इनको अंडरस्टैंड रखना बहुत ही आसान हो गया था। क्लियर बात। दूसरी बात, जो अज्ञात तत्व थे उनके लिए पहले से ही मेंडलीप ने एक स्थान निर्धारित कर दिया कि जो अज्ञात तत्व बाद में जो तत्व खोजे जाएंगे उनके लिए यही सुटेबल प्लेस। जैसे गैलेनियम, गैलेनियम तत्व बाद में खोजेगा लेकिन उसके लिए स्थान का निर्धारण पहले ही हो गया था। ये भी एक इस आवर्त सारणी की उपयोगिता है। और साथ ही इस आवर्त सारणी के आधार पर तत्वों के हम क्या कर परमाणु द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान बराबर तुल्यांकी भार, भार गुणा संयोजकता। इस फॉर्मूले के बिहा पर हम क्या कर सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास इजिकल टू केमिकल इक्विवेलेंट इनटू वैलेंसी। इस फॉर्मूले के बिहा पर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर। तो ये इसकी एक विशेषता थी। अब साथ में बात करते हैं मेंडलीप की पीरियोडिक टेबल में क्या कमियां थी, हैं, मेंडलीप आवर्त सारणी के दोष। अब इस आवर्त सारणी में क्या क्या दोष पाए गए, उन दोष को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। नंबर एक, एक तो इस आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के लिए एक निश्चित स्थान का निर्धारण नहीं था। हाइड्रोजन एल्कली मेटल के ऊपर भी रखा हुआ था, शुरुआत वहीं से हुई थी, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और हाइड्रोजन हैलोजन के ऊपर भी रखा, जैसे फ्लोरीन के ऊपर हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन। तो हाइड्रोजन के लिए एक निश्चित स्थान नहीं था, ये मेंडलीव आवर्त सारणी की क्या थी, एक कमी थी। क्लियर बात। अच्छा, दूसरी बात, समान गुण वाले तत्व एक ही वर्ग में नहीं रखे गए। समान गुण वाले तत्व, जैसे हम अभी पीरियोडिक टेबल बना रहे थे उसमें क्या था, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फेंसियम, उसी में क्या रखा था, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, यानी एक वर्ग में दो एलिमेंट रख दिए थे, तो ये भी एक कमी थी। जबकि समान गुण वाले तत्व ही एक वर्ग में रखे जाने चाहिए थे, लेकिन उसमें अलग गुण वाले तत्व भी एक ही वर्ग में रख दिए गए थे, वो भी आवर्त सारणी में क्या थी, एक कमी थी। दूसरी बात, विकर्ण संबंध बहुत बड़ी कमी थी। विकर्ण संबंध, भाई देखो, लिथियम की जो प्रॉपर्टी सोडियम से टैली करनी चाहिए, लेकिन लिथियम की प्रॉपर्टी किससे टैली करी थी, मैग्नीशियम से टैली करी थी,
क्लियर है। इसीलिए बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से टैली करनी चाहिए, लेकिन बेरिलियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से टैली करी थी और एल्युमिनियम से भी, यानी उनमें एक डायगनली रिलेशनशिप था, ये भी मेनली आवर सारणी की क्या थी, एक कमी थी। क्लियर बात। दूसरी बात, समस्थानिकों के लिए एक निश्चित स्थान था, जैसे हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, 1H1, 1H2, 1H3। लेकिन 1H1 प्रोटियम के लिए तो सुटेबल स्थान है, लेकिन अन्य जो ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, उसके लिए कोई स्थान नहीं था, तो ये भी आवर सारणी की एक क्या थी, कमी थी। और साथ ही आठवें वर्ग में तत्व एक और कमी क्या थी इसमें, कि जो लेंथेनाइट एक्टिनाइट्स जो सीरीज थी, उनके 14 एलिमेंट्स थे, उनके लिए आवर सारणी में एक स्थान नहीं था, उनको एक अलग से नीचे दो लाइन रख रखी थी जहाँ पर उनको रखा गया था, तो उनके लिए पीरियडिक टेबल में कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं था। तो ये इस आवर सारणी में ये कमियाँ पाई गई थी, इन कमियों के पाने के बाद ये आवर सारणी भी फेल हो गई थी। इसके बाद नई आवर सारणी आई, जो आवर सारणी उसको नाम देगा आधुनिक आवर सारणी, मॉडर्न पीरियडिक टेबल। और जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल थी वो IUPAC सिस्टम के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो हम IUPAC द्वारा प्रस्तुत जो आवर सारणी है उसको हम अगली वीडियो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक यही, यदि इसमें कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और यदि वीडियो वास्तव में आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। ओके, थैंक यू।